दोस्तों मेरा नाम फजल, आपने क्रिएटिव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की स्टेड में मैं रुकूंगा वन प्लस की लेटेस्ट मॉडल जो कि कुछ ही घंटों पहले लॉन्च हुआ है जब ये वीडियो अपलोड हो रही है। दोस्तों ये जो फ़ोन है इसका मैं आपको मॉडल नेम बताता हूँ, उसके बाद बाकी फीचर्स के लास्ट में वीडियो के लास्ट में इसके प्राइस की भी बात करेंगे। दोस्तों जो मॉडल नेम है वो है वन प्लस नॉर्ड सी 5G। दोस्तों जो मॉडल नेम वो आपको अब स्क्रीन शो हो रहा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो। जब आप इसे परचेज करने जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो इस फोन को परचेज करने में। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों सबसे पहले हम इस फोन के फीचर्स की बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको इसका प्राइस भी बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार भी होने वाली है, क्योंकि फोन भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप भी परचेस करना चाहते हो वन प्लस नॉट सी 5G तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करेगा तो वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं, उसके बाद बाकी फीचर्स के बाद लास्ट में आपको प्राइस बताऊंगा। तो दोस्तों इसकी डिस्प्ले आपको अब स्क्रीन शो रही है, डिस्प्ले हमें 6.4 इंचेस की वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वहीं पर साथ ही अगर हम इस फोन के प्रोसेसर की बात करें, हम लोग को इसमें प्रोसेसर अच्छा देखने को मिल जाता है कि नहीं, ठीक ठाक प्रोसेसर देखने को मिलता है कि नहीं। दोस्तों इस फोन में हमको ओक्टा कोर स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब साथ ही अगर हम इसके रैम प्लस के रोम की बात कर लें, इसमें हमको रैम रोम कितनी देखने को मिलती है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टोरेज कितनी देखने को मिलती है, तो मैं बता दूँ इस फोन में हमको जो रैम है वो 6GB देखने को मिल जाती है। वहीं साथ ही अगर इसके इस फोन के रोम की बात करें तो जो रोम है वो हमें 128GB देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे और इसके रियर कैमरे की बात कर लेते हैं, रियर और फ्रंट कैमरे हमें कितने देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों मैं बात करूँ इस फोन में हम लोग को जो रियर कैमरे हैं वो हमें 3 देखने को मिल जाते हैं, मतलब ट्रिपल रियर कैमरे हम लोग को इस फोन में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो फर्स्ट कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल, सेकेंड कैमरा हमारा 8 मेगापिक्सल एंड थर्ड कैमरा हमारा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है इस फोन में। वही मिसाल है आप दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हो, इस फोन में जो फ्रंट कैमरा हमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, हम लोग इस फोन में बैटरी कैपेसिटी कितनी देखने को मिलती है, अच्छी बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है कि नहीं इस फोन में। तो मैं आता तो इस फोन में 4500 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है इस फोन में, जो काफ़ी सही बैटरी बैकअप हम लोग को देखने को मिलता है, कोई ज़्यादा भी नहीं और कोई कम भी नहीं देखने को मिलता है। अब दोस्तों साथ ही अगर हम लोग इस फोन के वेट की बात करें, वेट हमें कोई ज़्यादा हैवी नहीं देखने को मिलता है या फिर कोई मतलब कि ज़्यादा हैवी फोन तो नहीं। तो मैं आता तो इस फोन में 170 grams का वेट देखने को मिल जाता है इस फोन में। अब वहीं पर साथ हम लोग इस फोन के फिंगरप्रिंट की बात करें कि हमें इसमें फिंगरप्रिंट कहाँ पे देखने को मिलती है, साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिलती है या फिर बैक फिंगरप्रिंट या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग को इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों साथ हम लोग इस फोन के कलर की बात करें, इसमें हम लोग को कलर कितने देखने को मिलते हैं, अच्छे कलर देखने को मिलते हैं कि नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस फोन में हम लोग को 3 कलर देखने को मिलते हैं, मतलब कि 3 कलर इस फोन में हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसमें से फर्स्ट कलर वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, सेकंड कलर जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, थर्ड कलर जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये तीनों कलर है काफी सही लगे मुझे इस फोन के हिसाब से, काफी मैच कर रहे हैं इस फोन पे। अब साथ ही अगर हम इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की और इसके स्क्रीन की बात कर लें, मतलब कि इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात कर लें, तो मैं बता दूं कि इसमें जो एंड्रॉइड वर्जन है वो हम लोग को इस फोन में हम लोग को अगेन एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। अब साथ ही अगर हम इस फोन के स्क्रीन की बात कर लें, तो इस फोन में हम लोग को ऑक्सीजन OS 11 की स्क्रीन देखने को मिल जाती है इस फोन में। अब उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं इसका प्राइस भी बताऊंगा आप लोगों को, तो इसका प्राइस भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इस हम लोग इस फोन के प्राइस की बात कर लेते हैं, हम लोग इस फोन में प्राइस कितना देखने को मिलता है, क्योंकि फीचर्स तो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। आप बात कर प्राइस की, क्योंकि प्राइस कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। तो मैं बता दूँ इस फोन में हम लोग को 22,999 rupees का प्राइस देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो काफ़ी सही प्राइस लगा मुझे कि इस प्राइस को ये डिजर्व करता है फोन, इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। अब उसमें मेरा एक ओपिनियन देना चाहूँगा, एक अपनी तरफ से एक एडवाइस देना चाहूँगा, वो एडवाइस ये है कि आप इस फोन को अभी मत परचेस करना, क्योंकि अभी ये जो फोन है एकदम ताज़ा फोन है, तो इस वजह से आपको ये 22,999 का पड़ेगा। लेकिन आप अगर थोड़े दिन वेट करोगे, एक हफ्ता वेट कर लोगे आप अप्रॉक्स, अगर आप इस फोन को परचेस करने में, तो हो सकता है ये जो फोन है थोड़ा सा और भी सस्ता हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना एक लाइक, अगर आप लोग चैनल पर ना हो तो चैनल को और सब्सक्राइब, और साथ ही अगर आप ऐसी और भी रिव्यू वाली वीडियोस देखना चाहते हो, आप लैपटॉप परचेस करना चाहते हो या कोई और नया फोन परचेस करना चाहते हो, तो दोस्तों आप इस प्ले लिस्ट पर क्लिक कर दो। इस प्ले लिस्ट में आपको बढ़िया बढ़िया लैपटॉप प्लस फोन के रिव्यू देखने को मिल जाते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।